हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, आज हम बात करेंगे आपके इस वीडियो में KVS PRT रिजल्ट के बारे में। KVS PRT का रिजल्ट अब कब आने की पॉसिबिलिटी है और KVS PRT का रिजल्ट कितना है वो डिले हो सकता है। देखिए, जो कि BEd वर्सेस आपका DLED का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया था, ऑर्डर को सुनाना बाकी था। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि KVS ने ऑफिशियली ये बोला है कि देखिए, KVS PRT के रिजल्ट के बारे में जो KVS संगठन है उसने अपना जवाब दे दिया है कि जो आपकी MOE है यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय, जब तक उसे आदेश नहीं देगा रिजल्ट के बारे में तब तक वो रिजल्ट जारी नहीं करेगा। देखिए, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वो निश्चित ही यहाँ पर वेट करेगा KVS संगठन और साथ ही शिक्षा मंत्रालय। अब बात करेंगे हम मेन कि अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कब तक आने की संभावना है और कितना सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को पेंडिंग रख सकता है, यानी कि ऑर्डर रिजर्व किया है उसमें कितना मैक्सिमम टाइम होता है और कितना टाइम हो चुका है आपका, और आपकी ग्रीष्मकालीन अवकाश अब हो चुका है तो कब जाके कोर्ट खुलेगा, हम इसके बारे में डिटेल में अभी डिस्कशन करेंगे और हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट है अपना डिसीजन कब तक दे सकता है। जो हम बताएंगे उसके अराउंड फिगर में ही आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने की पूर्ण रूप से संभावना है। देखिए, ये जो हम आपको वेबसाइट दिखा रहे हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैलेंडर 2023 दिया हुआ है, इसमें आप जब देखोगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि देखिए अभी मई का मंथ चल रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश हो चुका है, आज देखिए 21 तारीख है, संडे, तो आज का आपका अवकाश है ही है इसमें। अब देखिए 22 तारीख से आपको कंटिन्यूस रूप से ये रेड कलर में ये अवकाश दिया हुआ है। देखिए मई की में ये आपका अवकाश हो चुका है 31 तक, जून का पूरे मंथ का अवकाश है आपको दिखाई दे रहा होगा, जुलाई में 2 तारीख तक का अवकाश है। यानी कहने का मतलब है कि जो अब ये कोर्ट खुलेगा सुप्रीम कोर्ट वो कब से खुलेगा, आपका 3 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट खुलेगा। यानी कि ये मान के चलिए कि जो BEd वर्सेस DLED का जो ऑर्डर है उसका डिसीजन आना है वो आपका 2 जुलाई तक तो अब आना नहीं है, यानी 2 जुलाई तक ये ऑर्डर नहीं आएगा। तो ये भी मान सकते हो आप कि जो 2 जुलाई तक आपका KVS PRT रिजल्ट भी नज़र नहीं आएगा आपको, इसकी भी बहुत ही कम संभावना है। केवल एक ही मात्र संभावना है, 2 जुलाई से पहले अगर रिजल्ट दे दे शिक्षा मंत्रालय, अगर KVS को एक आदेश कर दे कि आप कोर्ट के अधीन रिजल्ट दे दीजिए, अन्यथा की स्थिति दे, कोर्ट के अधीन अगर बोल देता, कोर्ट के अधीन अगर आपका KVS का रिजल्ट आ जाता तो आ जाता, अन्यथा आपका जो रिजल्ट है वो 2 जुलाई के बाद में आने की पूरी तरीके से संभावना है। क्योंकि उसका रीज़न है, देखिए 2 जुलाई के बाद में जैसे ही कोर्ट खुलेगा उसके बाद में आपका BEd वर्सेस DLED का जो ऑर्डर है वो आपका सुना दिया जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है वो कितने दिन तक किसी भी ऑर्डर को अपने पास रिजर्व रखता है। अगर हम आपको बताएं कि ये जो आपका ध्यान होगा, जो ऑर्डर रिजर्व किया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो रिजर्व किया था आपका 12 जनवरी को। कब रिजर्व किया था ये? 12 जनवरी को रिजर्व किया था। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में हाई कोर्ट को आदेश दिया था, जो मान के चलते हैं सामान्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था इसमें कि मतलब आप 6 महीने तक किसी भी केस को रिजर्व रख सकते हैं। तो इस हिसाब से हम मान के चले कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये कि ये सामान्य मान्यता है और एक्सेप्शनल केस में वो आगे भी ले जा सकता है, लेकिन सामान्य रूप से सुप्रीम कोर्ट किसी भी ऑर्डर को मैक्सिमम 6 मंथ तक रोकता है। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो 12 जनवरी को, ये चीज़ हम आपको दिखा भी देते हैं कि किस तारीख को ये ऑर्डर आपका रिजर्व किया गया था, वो हम आपको अभी देखिए स्क्रीन पर दिखाते हैं, फिर हम आपको आगे यहाँ पर बताते हैं। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व किया था उसका है ये। इसमें देख लेते हैं किस डेट को ये रिजर्व किया था, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। द्वारा जो ऑर्डर रिजर्व किया गया था वो 12 जनवरी को किया गया था, और उस दिन 12 जनवरी को उन्होंने बोला था कि रिटर्न सबमिशन जो भी फिल करना था या रिटर्न सबमिशन देना था वो 20/1/2023 यानी 20 जनवरी तक देना था दोनों पक्षों को, BEd और DLED वालों को। तो देखिए 12 जनवरी को ऑर्डर रिजर्व किया गया है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें कि अगर वो मैक्सिमम 6 मंथ लेता है, सामान्य रूप से 6 मंथ ही लेता है, एक्सेप्शनल केस में हो सकता है मैक्सिमम हो जाए टाइम, लेकिन मान सकते हैं आप कि 6 मंथ के भीतर किसी भी ऑर्डर को सुना दिया जाता है जो रिजर्व होता है। तो उस हिसाब से आप अगर 12 जनवरी से जोड़ेंगे तो उस हिसाब से देखें अगर 6 मंथ का टाइम ले रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आपका जो ऑर्डर है वो 6 मंथ का बैठ रहे हैं आपके 12 जुलाई को, यानी 12 जुलाई तक सामान्य रूप से
सुप्रीम कोर्ट को अपना जो ऑर्डर है जो रिजर्व करके रखा है उसे सुना देना चाहिए। तो हम मान सकते हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलता है तो आपका 12 जुलाई तक निश्चित ही जो बीएड वर्सेस डीएलएड का जो ऑर्डर रिजर्व किया है वो उसका रिजल्ट आ जाएगा, और तब तक अब केवीएस भी उसका वेट करना चाहेगा। तो 12 जुलाई तक मान सकते हैं आप, 12 जुलाई के बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है तो एक या दो दिन के भीतर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो एक हम आपको संभावित डेट बताते हैं केवीएस के रिजल्ट आने की, 15 जुलाई तक आपका केवीएस का रिजल्ट आ जाना चाहिए पीआरटी का, क्योंकि 12 जुलाई तक निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा कि बीएड सम्मिलित होगा या फिर बीएड बाहर होगा। अगर वो सम्मिलित रखते हैं तो केवीएस के पास में दोनों ही रिजल्ट पहले से तैयार है, तो वो उस लिस्ट के हिसाब से रिजल्ट तैयारी करेंगे। अगर बीएड बाहर गया था तो बीएड बाहर करके भी उन्होंने डीएलएड की ओनली एक लिस्ट बनाई है, उससे रिजल्ट आपका आ जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको केवीएस पीआरटी इंटरव्यू प्लस डेमो की बेहतरीन रूप से तैयारी कराई जा रही है, साथ में आपकी शिक्षक भर्ती एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की यहाँ से तैयारी एवं जानकारी दी जाती है। धन्यवाद।